11 देखिए क्या कह रहा है, द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए 11 नंबर में देखिए, यहाँ पर x की जगह पे आया है साइन पाई बाई 5 और y के प्लेस पे है आपका माइनस का वन माइनस कॉस पाई बाई 5। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इसके मॉडुलस की, हमारे पास ये सपोज कर लेते हैं कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस के लिए तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 5 प्लस का 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 का स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व कर देते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 5 प्लस का यहाँ 1 माइनस 2 कॉस पाई बाई 5 और प्लस का कॉस स्क्वायर 5 बाई 5। इसको और इसको लेके इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस का 1 माइनस का 2 कॉस पाई बाई 5। तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस का 2 कॉस पाई बाई 5। यहाँ देखिए आप 2 अंदर कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस का कॉस पाई बाई 5, ठीक है। रूट अंडर 2 इंटू में 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 क्या हो जाएगा, 2 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10 आ जाएगा। तो ये पेयर बन गया, बाहर ही करेगा 2 साइन पाई बाई 10 हो जाएगा, आपका क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। और अगर हमें आर्गुमेंट निकालना है तो वाई बाई एक्स, यानी कि 1 माइनस का कॉस पाई बाई 5 और वाई में साइन पाई बाई 5। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू में ऊपर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 5 और नीचे हो जाएगा साइन पाई बाई 10 हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 10 और इंटू में कॉस पाई बाई 10। एक साइन से एक साइन हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, तो अब यहाँ से साइन बाई कॉस 10 ना हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू में हो जाएगा इधर 10 पाई बाई 10। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू पाई बाई 10, ये यानी कि ये आपका आर्गुमेंट हो गया और ऊपर हमने मॉडुलस निकाल ही दिया था। तो ये आता 2 साइन पाई बाई 10 और ये सिर्फ पाई बाई 10 हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन।